Hello friends, welcome to my YouTube channel Cocoon by Arshul Sultani. जैसे कि आज हम Cocoon का एक दूसरा लेक्चर देखने के लिए जा रहे हैं. आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि कोल कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कोल टू कोक कन्वर्ट कैसे होता है, कोल टू कोक कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल टू कोक कन्वर्जन जो होता है उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है कि कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कोल कार्बोनाइजेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन कर उसका अलग अलग पार्ट, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हम क्या करें कोक मिलता है, कोल्टा मिलता है, कोकोन गैस मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है या तो उसको डीवोलेटाइजेशन या तो पाइरोलिसिस प्रोसेस भी बोला जाता है. ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का अलग अलग स्टेजेस भी है कि कोल टू कोक कन्वर्ट होने में उसमें क्या क्या स्टेजेस में कोल से कोक बनता है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है. तो फर्स्ट रहता है डी मॉइस्चराइजेशन कि जो हम कोल चार्ज कर रहे हैं ओवन के अंदर उसका जो मॉइस्चर है पहले तो मॉइस्चर रिमूव होता है. जो हम हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं तो 100 डिग्री तक उसका मॉइस्चर पूरा रिमूव हो जाता है. उसके बाद कोल एक सेकंड स्टेज है सॉफ्टनिंग, कोल सॉफ्टनिंग होता है, फिर मेल्टिंग, फ्यूजिंग, स्वेलिंग, रिसोलिडिंग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे. अभी सिर्फ आप ये स्टेजेस है इतना देख लीजिए. ठीक है, और स्टेजेस में मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या क्या मतलब उसका कंडीशन क्या है कोल या कोक का वो हम करते हैं कि 100 डिग्री तक में पूरा अपना जो कोल में जो मॉइस्चर था वो वाटर पार्टिकल्स ड्रिवन निकल जाते हैं. ठीक है, 300 टू 400 के बीच में मोस्ट कोकिंग कोल बिगिंस टू सॉफ्टन, मतलब सॉफ्टनिंग प्लास्टिक लेयर उसका चालू हो जाता है दोनों साइड की वॉल से, प्लास्टिक लेयर जनरेशन स्टार्ट हो जाता है और प्लस जैसे कि CO2 फिर कार्बन मीथेन वगैरह वो भी चालू हो जाता है जनरेशन. ठीक है, 300 टू 400 में डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और टार टार क्या है एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड का जनरेशन भी रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, 450 टू 600 में मोस्ट ऑफ जो कोल होता है वो अपना सेमी कोक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सेमी कोक में कन्वर्ट हो जाता है, रिवोल्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉलोड बाय रिसोलिडिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक मास इनटू सेमी कोक. जो हमारा जो प्लास्टिक लेयर जो प्लास्टिक मास वो था वो सेमी कोक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तभी भी मतलब आपका जो प्राइमरी जो वोलेटाइल मैटर था वो निकल जाता है 600 डिग्री, फिर आपका सेकेंडरी वोलेटाइल मैटर निकलना 600 के बाद स्टार्ट होता है. तो 600 टू 1040 में आपका कोक स्टेबिलाइजेशन फेज स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कैरेक्टराइज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मास स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कोक एंड फाइनल हाइड्रोजन ड्यूरेशन. आपका 800 के बाद हाइड्रोजन रिमूव भी चालू हो जाता है हाइड्रोकार्बन और 1100 के लगभग आपका कोक पूरा रेडी हो जाता है और रेडी पुश हो जाता है. ठीक है, तो ये आज हमने कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में जाना. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको देना बता सकते हैं. ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.